झारखंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित मैत्री क्रिकेट मैच में फाइनल मुकाबला चंद्रपुर और चाईबासा के बीच खेला गया, जिसमें चंद्रपुर की टीम विजेता रही और चाईबासा की टीम उपविजेता रही। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षु आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पत्रकारों के द्वारा इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, पत्रकारों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने आश्वासन किया कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा तो पत्रकारों महत्वपूर्ण योजना लागू कराने के लिए वे पहल करेंगे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता को मेमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ज्योतिषी सचिव देवेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर एसोसिएशन के प्रताप व प्रमाणिक राम गोपाल जेना, सुनील पांडे, राहुल शर्मा, बबलू मंडल, रवि महंती, राहुल हेमब्रम, तारिक अनवर, घनश्याम प्रसाद, मनोज सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन आज हम गवर्नमेंट में आए हैं तो यही सोच के साथ आए हैं कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी क्षमता के अनुसार, और ये ना देखें कि सामने वाला हमारे सर्विसेज को पे कर सकता है या पे नहीं कर सकता। विधि द्वारा ऐसे कई सारे फंक्शंस हमें दिए जाते हैं जो करने होते हैं, लेकिन साथ साथ संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था की गई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका एक कंट्रोल होता है हम लोगों के ऊपर। तो कई बार अपनी हित की रक्षा के लिए जिस पद पर होते हैं, उस पद की रक्षा के लिए, उस पद पर होने के लिए कई बार वो सारे कानूनी फंक्शन हम नहीं कर पाते हैं, और वो तब हो पाता है जब आप लोग उस संदर्भ में हमें हमारी आलोचना करते हैं या फिर आवाज उठाते हैं। जब आप हमारी सकारात्मक आलोचना करते हैं तब हम मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो काम हमें करने चाहिए थे वो आप के थ्रू इनडायरेक्टली अब मेरे द्वारा होगा। तो लोकतंत्र का मजबूत होना कानून के राज के लिए कितना आवश्यक है हम सभी समझते हैं, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारी सकारात्मक आलोचना के साथ साथ जनता में भी मुद्दों के प्रति जो एक जागरूकता और संवेदनशीलता होनी चाहिए वो पैदा करनी चाहिए, और ये काम पत्रकार बंधुओं के थ्रू बखूबी हो सकता है। इसमें हमारी भी भागीदारी है, बट आपका जो भूमिका है वो अहम साबित हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर हम सेक्रेटेरिएट जाते हैं तो हम पत्रकार बंधुओं के लिए वो सारे कानूनी उपबंधों की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लोकतंत्र और इन तत्वों के साथ आप लोग और हमारे इस मैच के विशेष सहयोगी देवेंद्र सिंह जी, मेरे कर्मठ साथी और जेना जी, मेरे कर्मठ जुझारू और रात बिरात को भी बुला लेने से चाईबासा बाइक से चले आते हैं, प्रताप प्रमाणिक जी जिलाध्यक्ष के रूप में, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, इसके लिए आप सबका विशेष आभार। मैं अभी पत्रकार साथियों से, चूंकि पत्रकारों की भी जमात बैठी है, तो अगर अच्छा ऐसा कहा जाता है पत्रकारिता के दौर में, ना हम आम में है ना खास में है, सिर्फ एहसास में है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो कभी भी आपने देखा है ना, सरकारी जब कोई कार्यक्रम हो, गैर सरकारी कार्यक्रम हो, तो विशेष अतिथि इधर रहते हैं, पब्लिक उधर रहती है और पत्रकार इधर रहता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ना हम आम में है ना खास में है ना एहसास में, अब तो सिर्फ एहसास में। तो ये जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अभी बातचीत हो रही थी,